नमस्कार दोस्तों, पहली वाला चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बालवीर काफी दिन से महर से नहीं मिला होता है, तो वो धरती लोक पर महर से मिलने आ जाता है। बहन बालवीर से कहती है, क्यों ना बालवीर आज हम कहीं घूमने चलें? बालवीर कहता है, क्यों महर, आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? महर कहती है, बालवीर आज संडे है और तुम्हें तो पता ही है संडे के दिन धरती लोक पर छुट्टी होती है। बालवीर कहता है, ठीक है मेहर, अगर तुम मेरी एक पहेली का जवाब दो तो मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगा। मेहर कहती है, ठीक है बालवीर जी, पूछिए क्या पहेली है आपकी। फिर बालवीर मेहर से अपनी पहेली पूछता है। एक आदमी बहुत गरीब था, ना उसके पास कोई महल था और ना ही उसके नौकर चाकर थे, फिर भी लोग उसे राजा कहकर बुलाते थे, बताओ क्यों? दोस्तों, क्या आप बता सकती हो लोग उस गरीब आदमी को राजा क्यों कहते थे? आप अपना उत्तर कमेंट करो। दोस्तों, इसका जवाब बड़ा आसान है, क्योंकि उस आदमी का नाम राजा था, इसलिए सब उसे राजा कहकर बुलाते थे। मेहर भी इसका जवाब दे देती है। फिर बालवीर और मेहर मॉल में घूमने चले जाते हैं। काफी देर घूमने के बाद बालवीर को ध्यान आता है कि वो अपना जादुई दंड तो परीलोक में ही भूल आया है। फिर वो मेहर से अलविदा ले परीलोक लौट आता है। बालवीर देखता है उसका जादुई दंड वहां नहीं होता है। बालवीर का जादुई दंड किसी ने चोरी कर लिया होता है। बालवीर समझ जाता है ये काम ज्वाला परी, मस्ती परी या पानी परी में से ही किसी ने किया है, तो बालवीर उन तीनों को बुला लेता है। फिर बालवीर उनसे बारी बारी पूछता है कि आप में से किसने मेरा जादुई दंड चुराया है, पर वो तीनों ही कहती हैं, हम तो धरती लोक पे थे और अभी अभी परी लोक लौटे हैं। बालवीर फिर उनसे पूछता है कि आप लोग धरती लोक पर क्या कर रहे थे? इस पर मस्ती परी कहती है, मैं धरती लोक में मॉल में घूम रही थी। फिर पानी परी कहती है, एक सरकारी बैंक में आग लग गई थी, पर वहां कोई नहीं था, इसलिए मैंने अपनी शक्ति से वहां की आग बुझा दी। फिर ज्वाला परी कहती है, एक स्कूल में शेर घुस आया था, जिसे देखकर सब बच्चे और टीचर काफी डर गए थे, मैंने अपनी शक्ति से शेर को भगा दिया। तीनों की बातें सुन बालवीर को पता चल जाता है कि उसका जादुई दंड किसने चुराया है। क्या दोस्तों, आप बता सकती हो बालवीर का जादुई दंड किसने चुराया है? आप अपना उत्तर कमेंट करो। दोस्तों, बालवीर का जादुई दंड ज्वाला परी ने चुराया है। आइए समझते हैं क्यों। ज्वाला परी ने अपने बयान में कहा था कि वो धरती लोक पर स्कूल में बच्चों को बचा रही थी, पर महन ने बालवीर को बताया कि आज संडे है और संडे में धरती लोक पर स्कूल बंद रहते हैं। इसका मतलब ज्वाला परी झूठ बोल रही है और उसी ने बालवीर का जादुई दंड चोरी किया है। वहीं मस्ती परी ने अपने बयान में बताया वो मॉल में घूम रही थी, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। और पानी परी ने भी कहा कि वो सरकारी बैंक में आग लग गई थी और वहां कोई नहीं था, क्योंकि छुट्टी के कारण सरकारी बैंक में भी कोई नहीं था। इसका मतलब तीनों में से ज्वाला परी ही झूठ बोल रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ।